क्या कभी मुर्दे भी जिंदा होते हैं? क्या मौत के बाद भी वापसी संभव है? भले ही आप इस पर यकीन ना करें, लेकिन ये हकीकत है। ऐसा हुआ है बरेली जिले के पस्तौर गांव में। इस गांव के सुमेरलाल लोधी के 10 साल के बेटे सीताराम को करीब 11 साल पहले सांप के डसने से मौत हो गई थी। उसके शव को पूरे विधि विधान से रामगंगा नदी में बहा दिया गया था। माँ भगवती देवी की आंखों का एक तारा टूट चुका था और सुमेरलाल और भगवती देवी अपने इकलौते बचे छोटे बेटे पुष्पेंद्र के सहारे जिंदगी के पल काट रहे थे। फिर अचानक एक दिन पूरे पस्तौर गांव में चमत्कार हुआ। ऐसा चमत्कार जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। अचानक सीताराम ग्रामीणों के सामने जिंदा खड़ा था। हालांकि अब वो सीताराम नहीं था और अब वो बन चुका था साहब सिंह। धन्यवाद गुरुजी बोले हमें जीवित कराज गुरुजी। दरअसल रामगंगा में तैरती लाश को निकालकर सपेरों के गुरु हरि सिंह ने सीताराम को नई जिंदगी दे दी थी। आज से 11 साल पहले हम लोगों ने रामगंगा से निकला था, जिंदा करा, बाकी अपने पास रखा 11 साल के लिए। और 11 साल रखने के बाद में अब उनका यानी मिलन हो चुका है। अब 11 साल बाद अपने खोए बेटे को पाकर माँ भगवती देवी और पिता सुमेरी लाल को मानो जीवन भर की सौगात मिल गई है। वो इसके लिए सपेरों के गुरु हरि सिंह को धन्यवाद देते नहीं अघा रहे हैं। खुशी है साहब, इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। मतलब जो मान लो एक खोई जा तो ना मिल पाओ तो, और हमारे तो मरो बहु मिली तो हमको तो परम खुशी है। मान लो बहुत खुशी है, सही है गुरु जी हमारे, हम गुरु जी को भूलेंगे तो ना, एहसान मानेंगे। भले ही सीताराम को सपेरे ने जीवन दान दिया, लेकिन इसके साथ ही उससे कुछ बंधन भी जुड़ गए हैं। गुरु के उसूलों से बंधे सीताराम ने अपने माँ बाप को ये दिलासा दिया कि वो गुरु को दिए वचन से मुक्त होकर ही वापस लौटेगा। अब वो परिवार के साथ रहते हुए गुरु की सेवा करना चाहता है। खैर, ये सीताराम के परिवार वालों और ग्रामीणों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। उनको वो खुशियाँ नसीब हुई जिसकी वो अपनी जिंदगी में उम्मीद छोड़ चुके थे। साधना न्यूज के लिए बरेली से अभिषेक सिंह के साथ सुनील सक्सेना की रिपोर्ट।